करियर के लिए जितनी इंपॉर्टेंस एक डॉक्टर बनने के लिए दी जाती है, पेरेंट्स उतनी इंपॉर्टेंस अब इन फील्ड्स को भी दे रहे हैं, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया। स्वराज है और मैं प्रॉपर मुंगेर से बिलोंग करती हूँ, अभी कुछ दिनों से पटना में रह करके मॉडलिंग परस्यू कर रही हूँ। अच्छा, मुंगेर से आप हैं जी, वहाँ की क्या कंडीशन? तो मेरे साथ एक मॉडल हैं और इनसे भी जानेंगे, इनसे थोड़ा सा बहुत ही बड़े लेवल पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मॉडलिंग का जो करियर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चैलेंजिंग करियर होता है। फैमिली अक्सर चाहती हैं कि उनका जो उनके जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर, इंजीनियरिंग या फिर जो भी एजुकेशन लेवल की जो पढ़ाई जो रहती है उसी के क्षेत्र में जाएँ, लेकिन इस ये जो क्षेत्र आता है, ये जो फील्ड आता है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी के फील्ड में कहीं ना कहीं आता है। तो अगर यहाँ पे जो बिहार है, बिहार काफ़ी कहा जाता है कि इंटरटेनमेंट एंड मॉडलिंग के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, तो इसको लेकर यहाँ के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी फैमिली ने क्या आपको सपोर्ट इसके लिए किया था पहले, या फिर आपको भी मशक्क़त करनी पड़ी थी वही लोकल जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए? मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करा था शुरू से भी, बट मैंने काफ़ी, ये चीज़ आपकी बात सही है, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये चीज़ें फेस करी हैं वो नहीं कर पाती हैं, और ये सच है कि बिहार अभी थोड़ा पीछे है, पर अगर आप देखेंगे तो अब बदलाव आने लगा है, क्योंकि कितने ही आप देखेंगे बॉलीवुड में यहाँ से स्टार्स जा रहे हैं, सीरियल्स में यहाँ पे नेहा मर्दा हो गई, विशाल सिंह हो गए, वो सारे यहीं से निकले हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ के इवेंट की आज ये है कि मॉडल्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हैं, तो पेरेंट्स का आना एक बदलाव का दिखना है, यहाँ पे कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ देख के सबसे ज़्यादा इस इवेंट में अच्छा लगा है कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, और बिहार अब काफ़ी आगे बढ़ रहा है इस चीज़ में। मेहनत तो करनी पड़ती है हर फील्ड में, लेकिन अब जो मुझे लगता है कि अब ये फील्ड लिमिटेड नहीं रह गया है डॉक्टर्स और इंजीनियर के लिए, जितनी इंपॉर्टेंस एक डॉक्टर बनने के लिए दी जाती है, पेरेंट्स उतनी इंपॉर्टेंस अब इन फील्ड्स को भी दे रहे हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, या मेकअप आर्टिस्ट बनना हो गया, तो अब काफ़ी इन चीज़ों में बिहार बदल रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो इस फील्ड को नहीं देखते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से उनके सामने एक ऑप्शन आता है, या फिर किसी फेमस मॉडल को देखने के बाद उनको लगता है कि हमें करना चाहिए, लेकिन उनके घर में उस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो क्या उनको करना चाहिए? अपनी फैमिली को, अपने समाज की तो बात छोड़ देते हैं, फैमिली अगर तैयार हो जाती है तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में हम ग्रो कर सकते हैं, तो फैमिली को अगर कुछ मनाना है या इस तरह का अगर उनको तैयार करना है इसके लिए तो क्या करना चाहिए? तो फैमिली को आपको ये दिखाना चाहिए कि आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप जो काम चुन रहे हैं अपने लिए, जब आप उस काम से प्यार नहीं कर पाएंगे तो आप उस काम को पूरी शिद्दत से निभा नहीं पाएंगे, तो आपको ये चीज़ अपनी फैमिली को समझानी चाहिए कि इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, और दूसरी चीज़ आपको उन्हें प्रूव करना चाहिए ताकि उन्हें कभी भी अपने सपोर्ट का रिग्रेट ना हो, उन्हें हमेशा ये फील हो कि हाँ, हमने जिस चीज़ में अपने बच्चों को सपोर्ट करा है उस चीज़ की वजह से आज हमें गर्व हो रहा है। तो अपनी फैमिली को मनाने के लिए दो चीज़ें मुझे लगती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि आप उनका सपोर्ट मांगिए, उन्हें ये एहसास कराइए कि हम आपके बिना ये नहीं करना चाहते हैं, हम आपके साथ के साथ, आपके प्रोत्साहन के साथ ये करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, आप अपने काम से उन्हें दिखाइए कि आपका काम इतना अच्छा है ताकि आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा करें और आपका साथ दें। तो आप बिहार से ही हैं? जी हाँ, मैं बिहार से ही हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेरणा सिंह है। जो हैं हमारे साथ एक ड्रेस डिज़ाइनर हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मॉडल होते हैं वो इन्हीं के कपड़े पहनकर रैंप पे चलते हैं। तो आइए मैम, जो भी ये जो ड्रेस डिज़ाइन किया जाता है, स्पेशली थीम वाइज किया जाता है, क्या अलग अलग जो है प्रॉब्लम रहती है आपके सामने, चैलेंज रहता है कि कैसे आपको, क्या जो लोग हैं वो स्पेशली कहते हैं कि इस तरह के डिज़ाइन किया जाए? जो भी क्लाइंट आते हैं उनका एक डिमांड होता है कि मेरे को ये, मेरा ये ओकेज़न है, इस ओकेज़न के हिसाब से हमको ऐसा ड्रेस चाहिए। अगर वेडिंग है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्लाइंट के हिसाब से, और हर क्लाइंट का अपना एक बजट भी होता है,
होता है, अपना चॉइस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो चीज़ उनके लिए सुटेबल है, उनके बजट में जा रहा है, उनका फंक्शन को सूट करता है, उस तरह के ड्रेस हम लोग डिज़ाइन करके उनको देते हैं। अच्छा, उस तरह का मतलब जो भी डिमांड क्लाइंट का रहता है उस हिसाब से आप उनको ड्रेसेस प्रिपेयर करके देते हैं? हम लोग प्रिपेयर करके देते हैं। और भी क्या प्रॉब्लम होता है जैसे कि इन फील्ड में अगर कोई आना चाहे, क्योंकि अक्सर तो हम लोग देखते हैं कि फ्रंट ऑफ कैमरा ही लोग आने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो इन फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, उनके लिए क्या शुरुआत वो कैसे करें, क्या इम्पोर्टेंस रहता है? इसमें एक पैशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप कितने क्रिएटिव हो, आप मीन्स लोगों के हिसाब से आप उनकी बातों को समझ के और तब अपना डिज़ाइन और क्लाइंट की बातों को समझ के अपने डिज़ाइन को कैसे एक्सप्रेस करके आप उनको दे रहे हो बना के ड्रेस में एज अ ड्रेस पर्टिकुलर, ताकि वो उनको पसंद आए, तो ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है मतलब कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर है तो इस फील्ड में आप आ सकते हैं। एक मॉडल हैं और अक्सर हमसे पूछा जाता है, काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि मॉडलिंग के ऊपर कुछ खास आप नहीं बना पा रहे, तो आज हम ऐसे ही जगह पे मौजूद हैं जहां पे मॉडल्स ही मॉडल हैं और यहां पे बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा मॉडलिंग के ऊपर। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा स्वराज है और मैं प्रॉपर मुंगेर से बिलोंग करती हूँ। अभी कुछ दिनों से पटना में रह करके मॉडलिंग परस्यू कर रही हूँ। अच्छा, मुंगेर से आप हैं जी, वहाँ की क्या कंडीशन है मुंगेर की, खासतौर पर मॉडलिंग करियर को लेकर, क्योंकि बिहार से जो भी ताल्लुक रखते हैं वो मॉडलिंग को लेकर कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको हेजिटेशन होता है। हाँ। और अक्सर आप देखेंगे कि जो भी पार्टिसिपेट्स हैं जो मॉडलिंग में करियर बनाना चाहते हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। थोड़ा सा लाइक इट्स नॉट अबाउट कि बिहार से हैं, बहुत सारी पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट नहीं करते, बट देन आपके बच्चे जब इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो पेरेंट्स सपोर्ट करने लगते हैं, इट्स नॉट दैट मच टफ। बट हाँ, मेरे शहर से जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे अभी से 3-4 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था जब मैं कर रही थी, दैट्स वाई मुझे पटना शिफ्ट होकर करना पड़ा ये चीज़। बट अभी मुंगेर इज़ वेरी डेवलप्ड इन दिस सेक्टर, इट्स वेरी डेवलप्ड एंड वहाँ पे और भी मेरे से बहुत आर्टिस्ट हैं जो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में, चाहे वो फोटोग्राफी हो, मॉडलिंग हो, यूट्यूबर्स हो, या फिर सीरियल्स के लाइन में हो, या फिर टिकटॉकर्स हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी के फील्ड। एक्चुअली जो छोटे जगह पे जब मॉडलिंग कोई अगर फ्रेशर है और वो अगर मॉडलिंग शुरू करना चाहता है एज अ करियर, अगर इसमें अपना करियर बनाना चाहता है, तो वो कहाँ कहाँ पे करियर ऑप्शंस हैं, कैसे इसमें एक फ्यूचर मिल सकता है? सर, फ्यूचर के लिए फर्स्टली तो आप अगर फ्रेशर हैं, ठीक है, तो पहले आपको अप्रोच करना पड़ेगा, एज इन कहीं पे कोई कंपटीशन है तब उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आप जीतते हैं, जीतने के बाद आपको काम मिलता है जैसे नॉर्मल टिपिकल लाइफ में होता है आपके, तो फॉर दैट यू नीड टू पार्टिसिपेट फर्स्टली। ओके, आफ्टर पार्टिसिपेटिंग यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू अदर पेजेंट शोज एंड गेट यू विल गेट वर्क एंड सेकेंड इज़ यूट्यूब। फर्स्टली अभी है इंटरनेट जो कि इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम अभी आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। इंस्टाग्राम पे मतलब जो सोशल मीडिया है उस पे अपने फ़ोटोज़ और जो भी ग्रूमिंग का जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उसको कहीं ना कहीं उस पे पोस्ट करने की ज़रूरत जी, एक्चुअली क्योंकि अभी क्या है ना, दुनिया बहुत टेक्निकली हो गई है ना, अब हर चीज़ आपको नेट पे अवेलेबल है, तो आप अगर अपना आप में कोई टैलेंट है तो आप दुनिया को दिखाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे ऑटोमेटिकली। या तो ऑप्शन बहुत सारे खुल सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया इस समय काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि एक नया एडवांटेज है लोगों के लिए, जो कि इनका कहना है। मॉडलिंग के अलावा मतलब इसका इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से काफ़ी गहरा रिलेशन देखा जाता है, अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक्टर या एक्ट्रेस की बात होती है तो मॉडलिंग से ही लोग वहाँ पर जाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर मेरा चेहरा कोई पहचाने नहीं हो जाके मैं फिल्म बना दूँ तो आप भी नहीं देखोगे, है ना। फर्स्टली मॉडलिंग क्या होता है ना कि आपको बहुत लोग जानते पहचानते हैं, जैसे यहाँ पे ही मैं आई आप मुझे जाने,
तो यहाँ से मुझे हाइप मिलता है. तो फर्स्टली मॉडलिंग है ना, वो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि हाँ ठीक है, यू आर गेटिंग इन टू समथिंग. तो आफ्टर दैट ओनली बॉलीवुड आपको एंट्रेंस देता है. सो मॉडलिंग इज़ अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर एक्टिंग या फिर आर्टिस्ट करियर्स. अच्छा, यहाँ पे इस तरह का एक ऑर्गेनाइज जो किया गया है ये खासतौर पर प्लेटफॉर्म, इससे कैसा महसूस हो रहा है? It's a very good platform. Like if people are not knowing you and you're not that much confident about things, so you will get a platform over here जहाँ पे आप हजारों नहीं करोड़ों की तादाद में लोगों से मिलते हैं, जिससे आपको हाइप मिलता है. तो इसमें हाइप ही आपको बहुत मैटर करता है. सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू सर. थैंक यू.